आज हम बनाएंगे मखाने से सर्दियों वाला स्नैक्स। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मखाने को किस तरह से भुना जाए जिससे वह सोगी ना हो, सॉफ्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लगभग हमें ले लेने हैं 100 से 150 ग्राम के आसपास मखाने। मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और मखाने के अंदर जो इस तरह के जो दागी मखाने आते हैं जिसमें ऐसे काली काली सी परत जमा हुआ ही होती है, वह आप निकाल लीजिए। उसके बाद हमें करना क्या है, एक कढ़ाई लेनी है बड़ी लोहे वाली, और उसमें आपको इन मखानों को भून लेना है अच्छे से। अगर आप लोहे वाली कढ़ाई लेंगे तो इसमें बड़े ही आसानी और जल्दी से इसमें यह मखाने हैं जिसे हम भून सकते हैं। और आज जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से अगर यह हम स्नैक्स बनाएंगे तो हमारे जो मखाने हैं वो ऐसे सॉफ्ट नहीं होंगे, सोगी नहीं होंगे। इस तरीके से आप अगर एक बार मखाने बना लिए तो आप गुड़ जमाना भूल जाएंगे। हमने मखानों को अच्छे से सेक लिया है, पका लिया है। आप देख पा रहे हैं कि इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इनको मैं एक अलग कटोरी या थाली में निकाल लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको थाली में पूरे अच्छे से फैलाकर इसको रख देता हूँ ताकि हम बाकी की जो प्रतिक्रिया है वो स्टार्ट रख सकें। अब इसके लिए हमें आधी कटोरी ले लेनी है तिल। अब यह इतनी स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होगी कि आप सोच नहीं पाओगे। आप गुड़ को जमाना भूल जाओगे और गुड़ की जगह इसी रेसिपी को आप बनाओगे। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीका है। अब हमने इन तिलों को अच्छे से भून लिया है। आप देख पा रहे हैं तिल का जो कलर है पूरा का पूरा चेंज हो गया है, और इन तिलों को हमने एक अलग कटोरी में रख लिया है। इसको करने के बाद अब हमें कुछ पीनट्स लेने हैं, यानी मूंगफली के जो गोटे होते हैं वो ले लेने हैं, और उनको कुछ इसके अंदर डाल के हम अच्छे से कूट लेंगे। अब मिक्सी जो ये पीनट्स है इनको हम अच्छे से कूट लेते हैं। और यह रेसिपी दोस्तों, यह जो हम बना रहे हैं स्नैक्स बना रहे हैं, यह आपके अंडों से भी ज़्यादा प्रोटीन आपको देगा, अंडों से ज़्यादा ताकत आपको देगा। अगर आप जिम जाते हैं तो इसका सेवन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल और प्रोटीन से भरपूर यह रेसिपी है, स्नैक्स है, जिसे आप बड़े ही आराम से और बहुत ही पसंद करके खाना पसंद करेंगे। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको कूट लेना है। अब बारी आती है दोस्तों गुड़ की। अब हमें लगभग ये 150 ग्राम के आसपास हमने गुड़ ले लिया है, और वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और लगभग थोड़ी सी आधी कटोरी से कम हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो पानी कितना लेना है आपको, आधा गिलास के आसपास आपको पानी लेना है इसके अंदर, और इसको अच्छे से आपको मेल्ट कर लेना है। अब यह दोस्तों, जब तक गुड़ अच्छे से पक नहीं जाए तब तक आपको ऐसे ही इसको अच्छे से घुमाते रहना है। अब गुड़ कैसे आपका अच्छे से पक जाएगा, कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप गुड़ ऐसे गर्म कर रहे हो तो इसका पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पानी की एक कटोरी ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए। अगर गुड़ ऊपर की तरफ आ जाए और आसानी से टूट जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका गुड़ अच्छे से पक चुका है। मेरा गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूँ हमारे ये मखाने। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने प्रोटीन से भरपूर और इतने स्वादिष्ट है कि आप गुड़ क्यों भूल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें साथ ही में तो गुड़ आ जाता है, साथ ही में इसमें तिल, और साथ ही में इसमें दोस्तों पीनट्स भी आ जाते हैं। तो यह बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार हमारी यह बनके तैयार होगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तिल। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ इसमें ऐड करते जाएँ, वैसे वैसे इसको मिक्स करते जाएँ। आपको एक साथ सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी है, अलग अलग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको मिक्स करनी है, ताकि आपके जो मखाने हैं वो सोगी ना हो, सॉफ्ट ना हो। इसके लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अब हमने जो पीनट्स को कूट के तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे से हम इसको फैला देते हैं, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार तो आपको ऐसे लगेगा कि यह हमारा बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है, यह अलग नहीं हो रहा है, खिले खिले से नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यह थोड़ी सी
ऐसे आप इसको लगातार घुमाओगे तो यह अपने जो सारे मखाने हैं वो एकदम बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। ये देखिए हो गए ना हमारे मखाने एकदम बिल्कुल अच्छे से खिले खिले हुए। अब आप एक इसको अलग कटोरे में निकाल लीजिए और इसको आप खा लीजिए। आप दोस्तों यकीन नहीं मानोगे इतना स्वादिष्ट और मज़ेदार हमारा यह मखाना बनके तैयार हुआ है कि सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट स्नैक है, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी यह स्नैक्स है। मखाने बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए, उनमें कैल्शियम प्रदान करने के लिए। दोस्तों अगर आज की हमारी यह स्नैक्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मखाने की वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर कर लीजिए फॉलो। थैंक यू।